हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू चिवड़ा नमकीन, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इसे आप बर्फ में बनाकर खा सकते हैं। इसे मैं बिना मशीन के बनाने वाली हूँ। आज मैं जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इससे आपके आलू चिवड़ा नमकीन ऑयली नहीं बनेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर आलू ली हूँ। यह वही आलू है जो डेली हम घर पर यूज करते हैं। सबसे पहले हम आलू के छिलकों को हटा लेंगे, फिर बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने आलू को छील कर धोकर इसे पानी में डाल दिया है, ताकि आलू लाल न पड़े। अब इसके हम लच्छे बनाएंगे। तो सबसे पहले आलू को आप गोल गोल पीसेस में काट ले इस तरह से। देख सकते हैं ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है। अब इसके हम लच्छे बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसके पतले पतले लच्छे बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपको लच्छे बना लेने हैं। सभी लच्छों को काट कर हमें पानी के अंदर डालते जाना है। यहाँ पर हमने सभी आलू को काट कर अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। इसे आप तब तक धोएं जब तक कि पानी साफ न आ जाए। अगर आप इसे बिना मशीन के बना रहे हैं, तो आप इसे छोटे आलू से भी बना सकते हैं। इस तरह से छील कर इसे लंबे लंबे काट लें और उसके बाद लच्छे निकाल लें। अब हम आलू को छान लेंगे। गैस पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब आलू के लच्छे को हम पानी में डालेंगे। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए गर्म पानी में रहने देना है। इसे भी उबालना नहीं है, पकाना नहीं है। इसे हमें 2 मिनट के लिए इसे हमें गर्म पानी में रहने देना है। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, हमने गैस को बंद कर दिया है। गर्म पानी में डालने से क्या हुआ कि स्टार्च जो है पूरा निकल जाता है। देख सकते हैं ये झाग दिखाई दे रहा है। गर्म पानी में डालने से स्टार्च जो पूरा निकल जाता है और हमारा चिवड़ा जो है वो लाल नहीं पड़ेगा, और आलू भी हमारे लच्छे जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं, ये देखिए अधपके हो चुके हैं। अब इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। इसे हमने एक छन्नी में छान लिया है। अब इसे कॉटन के कपड़े पर फैला देंगे और इसे पंखे के नीचे 10 मिनट के लिए रखने देंगे, ताकि आलू में जो भी नमी है वो सूख जाए। आलू का लच्छा हमारा हल्का सूख चुका है। अगर लाइट ना हो तो आप इसे 5 मिनट के लिए धूप में सुखा सकते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, अगर तेल कम गर्म होगा तो ऑयल सूख लेगा। अब हम आलू के एक लच्छे को डालकर चेक करेंगे। देख रहे हैं बबल्स निकल रहा है, इसका मतलब तेल हमारा अच्छा से गर्म हो चुका है। अब हम आलू को लच्छे को तेल में डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। शुरू में आपको झाग दिख रहा होगा, जैसे जैसे हमारे लच्छे पकेंगे झाग कम होता जाएगा। आलू को लच्छों को इस तरह से आप उलट पुलट कर फ्राई करें, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक जाए। इसे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। आलू के लच्छे हमारे फ्राई हो चुके हैं। चलाने से आपको पता चलेगा कि इसमें खनखन की आवाज आएगी। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेंगे। मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सभी लच्छे को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मूंगफली फ्राई किया हुआ डालेंगे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सिल्हा नमक डालें। अब यहाँ पर टेस्ट के लिए मैं डालूंगा आधा चम्मच पिसा
अब सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू का चूरा नमकीन हमारा बनकर तैयार है। यह बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।